तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे स्काई रूट के रमन इंजन के बारे में। तो पिछला वीडियो जहां मैं चंद्रयान 3 का डिज़ाइन और इसरो के HLV का जो डिज़ाइन, जो काफ़ी सारे इसरो के नए फ्यूचर प्रोजेक्ट्स रिवील किए गए, उनकी बात कर रहा हूं, वहां काफ़ी लोगों ने इसके बारे में पूछा, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक बार अप्रिशिएट करना चाहूँगा स्काई रूट को। अगर आपने मेरा प्राइवेट रॉकेट्स ऑफ इंडिया वीडियो देखा है तो उसमें पवन ने, जो CEO है स्काई रूट के, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अच्छा PR करेंगे, जो आप देख ही सकते हो। अभी स्टार्ट कर दिया है, ये वीडियो अपलोड किया था स्काई रूट ने, वो भी 4K में यूट्यूब के ऊपर। तो अच्छी बात है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया। आई होप बाकी इंडियन कंपनीज इसे देखे और अपना भी अच्छा PR करे, इंक्लूडिंग इसरो, तो देखते हैं। तो इस इंजन से रिलेटेड भी पवन से बात हुई मेरी, काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपको देने के लिए जो पब्लिक में तो नहीं है। तो इनकी फोर्थ स्टेज इंजन है रमन, कुछ चीज़ें इसमें 3D प्रिंटेड है। फोर्थ स्टेज Vikram-1 के रॉकेट के ऊपर रहेगा ये। अब क्या है, Vikram-1 जो है 3 स्टेज उसके पूरे सॉलिड्स है, तो उसका आप एक्टिवली थ्रस्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, जो थ्रस्ट है वही है। तो जब आपको प्रिसाइसली इंसर्ट करना है, आपको एक फोर्थ स्टेज लगेगा जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हो थ्रस्ट या कम थ्रस्ट वाला हो, ताकि उसे कम बर्न करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केस में Vikram-1 का फोर्थ वेलोसिटी ट्रिमिंग स्टेज होगा है, जहाँ पे प्रिसाइज इंसर्शन करेगा ये ऑर्बिट में। तो एक कहाँ होगा आपको पहले दिखा देता हूँ। अगर आपने Vikram-1 का डिज़ाइन दिखा है, जो मैंने एक स्प्लिट दिखाया था अपने एक प्राइवेट रॉकेट्स इंडिया वाले वीडियो में, तो आप देख सकते हो कि चार कुछ चीज़ें बाहर आ रही है फेयरिंग के नीचे। तो वो चीज़ें जो बाहर आ रही है वही है इंजन्स, और जो फोर्थ स्टेज होगा वो ऐसे एक थिन सिलेंडर होगा जिसमें फ्यूल होगा। तो स्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसका फ्यूल और थ्रस्ट डिस्कस कर लेते हैं। ये करीब 850 न्यूटन्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, और ऐसे स्टेजेस के लिए कम थ्रस्ट होना बेस्ट है, क्योंकि आपको प्रिसाइसली इंसर्ट करने मिलेगा और आपको प्रिसाइसली कंट्रोल करने मिलेगा। तो इसका जो फ्यूल है वो हाइपरगोलिक फ्यूल है, मतलब वो अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन यानी UDMH और N2O4 यूज़ करता है। तो ये ऐसे फ्यूल्स है कि इन्हें इग्नाइटर की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये ऑक्सीडाइजर और फ्यूल कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे वो जलने लगता है और फिर आपके थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लगता है, जो बहुत सिंपल कर देता है इंजन डिज़ाइन को, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं है। और ऊपर से पवन ने ये भी बोला कि ये एक प्रेशर फेड इंजन है, तो इसको एक्स्ट्रा टर्बो पंप वगैरह ज़रूरत नहीं है, आपके फ्यूल टैंक प्रेशर से ही आपका फ्यूल डिलीवर होगा इंजन को, जो काफ़ी इस चीज़ को सिंपल बना देता है। और सिंपल बनाते बनाते सेफ्टी भी बढ़ता है, जब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हो तो अननेसेसरी रिस्क भी लेते हो आप। तो ये फोर्थ स्टेज के लिए बन रहा है। तो मैंने पवन से कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने उसे पूछा कि ये इसे कूलिंग कैसे कर रहे हैं इस इंजन के। उसने बोला कि ये नेचुरली फिल्म कूल हो रहा है इंजन, तो एक थिन फिल्म होगा अंदर, और कुछ जगहों पे एक हाई टेम्परेचर लाइनर भी है जो हाई टेम्परेचर सहन कर सकता है। मैंने ये भी पूछा कि इस इंजन को थ्रॉटल कर सकते हैं, मतलब थ्रस्ट कंट्रोल कर सकते हैं क्या, प्रिसाइज इंसर्शन के लिए और भी काम आएगा, राइट? तो उसने कहा कि उसे ज़रूरत नहीं है इस मिशन के लिए, उनके मिशंस के लिए आप पहले ही वो कम है तो वो चलता है, और उन्हें कंट्रोल करना ही है तो वो पल्सेस से, मतलब ऑन ऑफ करके कंट्रोल कर सकते हैं। सिंस मैंने आपको बोला है हाइपरगोलिक फ्यूल है, तो उसे रिस्टार्ट करने की कैपेबिलिटी भी है आपके पास, तो उससे थ्रस्ट भी कंट्रोल या आउटपुट भी कंट्रोल कर सकते हैं, और आप मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन भी कर पाएंगे रॉकेट का। और एक कॉमन क्वेश्चन था लोगों का कि इसका एंड में कलर क्यों चेंज हुआ, अगर आपका फ्लेम कलर देखो तो ऑरेंज से थोड़ा ग्रीन हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि कॉपर के वजह से, तो ये कॉपर लाइनर होता है अंदर उसके वजह से। तो ये एक और क्वेश्चन था मेरे पास कि अगर ये गिम्बल नहीं कर सकता, गिम्बल मतलब इसका ना आप नॉजल मूव नहीं कर सकते, तो ये अपना एटीट्यूड कैसे कंट्रोल करेगा, मतलब आपका फोर्थ स्टेज कहाँ पॉइंट कर रहा है वो कैसे कंट्रोल करोगे। तो पवन ने कहा कि सिंस इनके पास 4 इंजन्स है, वो एक का थ्रस्ट या उसे एक को पल्स करके वो अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं फोर्थ स्टेज का, कहाँ पॉइंट कर रहा है दिखाने के लिए। तो ये एक था वीडियो, आई होप आपको काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली इससे। मैं एक दूसरे वीडियो पे काम कर रहा हूँ, चंद्रयान 2 रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग होगा। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी, जय हिंद जय भारत, ज्वाइन बटन दबा देना। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकिया देवाल, वुटला चैतन्य, जयम शर्मा, हरजिंदर सिद्धू, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रंडाळे, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, मार्क 7, गगनदीप भाटिया और संदीप रामकृष्णन। थैंक यू।